और आज बाबू कुंवर सिंह की धरती पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम। मैं जब यहां आया हूं तब मां अरण्य देवी, सूर्य मंदिर, मथिन माई मंदिर, बुढ़वा महादेव मंदिर, बड़ी मठिया मंदिर, बखोरापुर वाली मां और चंद्रपुर दिगंबर जैन को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 80 की आयु में यहां से लेकर अयोध्या तक अंग्रेजों के दांत खट्टे करे और जब वो घायल हो गए अपने ही हाथ से अपनी भुजा काटकर गंगा में डालकर ध्यान जीवन का त्याग किया, ऐसे महान बाबू वीर कुंवर सिंह को मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। बाबू जगजीवन राम जी, राम सुभाग सिंह, जगन्नाथ सहाय जी, ये सभी वरिष्ठ नेताओं को भी मैं याद करता हूं। अरे आरा वालों, 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए, कल 6ठे चरण का है। देश के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। और ये लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है बिहार में इस बार। एक अरे हो गया, सुन लिया, अब शांति रखता नहीं। बिहार में इस बार गमन या गठबंधन का अकाउंट भी नहीं खुलने वाला है, अकाउंट भी नहीं खुलने। भाइयों बहनों, मैं अभी देश का गृह मंत्री हूं, हमारे आरके सिंह देश के गृह सचिव रहे, आपके सांसद रहे और 3-3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट का जिम्मा मोदी जी ने आरके सिंह को दिया है। मैं देश भर में जहां जहां जाता हूं, लोग कहते हैं अमित भाई हमारे सांसद को मंत्री बना दीजिए। और आरा वालों, आपको बनाया मंत्री मोदी जी ने यहां भेजा है, रेडीमेड मंत्री भेजा है इन्होंने, यहां पर ढेर सारी उपलब्धियां दी, करोड़ों रुपए का सीएसआर फंड, 12 करोड़ आरा रमना मैदान, 17 करोड़ आरा धरहरा नहर, 5 करोड़ बो उद्देशी हॉल, 3 करोड़ पीरो पड़ाव मैदान, भोजपुर जिले में 14,000 सोलर स्ट्रीट लाइट, 5 करोड़ से जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का सिंह द्वार और 5 करोड़ से बस स्टैंड का विकास करने का काम हमारे आरके सिंह ने किया है। भाइयों बहनों, मगर मैं आज आपको कहने आया हूं, आरके सिंह को वोट ये विकास के कारण मत दीजिएगा। वोट जरूर देना है मगर इसके कारण मत दीजिएगा। मैं कारण अब बताता हूं। आरा वालों मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस वाले लालू जी, गमंडिया गठबंधन हमें डराता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। भाइयों बहनों,
मैं लालू यादव एंड कंपनी को कहने आया हूँ, अरे लालू जी हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। आरा वालों, आर के सिंह को वोट इसलिए देना है कि मैं आज आरा की धरती पर, बाबू कुंवर सिंह जगजीवन राम की धरती पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। ये भाजपा का संकल्प। भाइयों बहनों, सालों तक ये कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 को अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर रखा। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और इस देश से हमेशा के लिए आतंकवाद का नामो निशान मिटा दी। मोदी जी ने इस देश से नक्सलवाद समाप्त किया। बड़ी आयु के लोग होंगे उनको मालूम होगा हमारा आरा भी नक्सलवाद